दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे जेएस पोस्ट पेड पे। दोस्तों हम डिस्कस करेंगे पोस्ट पेड और जो प्री पेड है इन दोनों में क्या डिफरेंट होता है, और जेएस की जो सिम है आप इसे कैसे प्री पेड से पोस्ट पेड पे कन्वर्ट कर सकते हैं, इसका तरीकाकार और इसके जो पैकेजेस होते हैं उस पर भी बात होगी। और साथ दोस्तों मैं आपको अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करूँगा क्या आपको अपने प्री पेड नंबर को पोस्ट पेड में कन्वर्ट करना चाहिए या नहीं। तो दोस्तों इस वीडियो को आखिर तक देखें, अगर वीडियो अच्छी लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अच्छा यार हम बात कर रहे हैं जेएस पोस्ट पेड पे, ठीक है। तो रिसेंटली मैंने अपना एक नंबर जो जेएस का था, क्योंकि रिटेलर अकाउंट के लिए आपको जो है ना एक नंबर पोस्ट पेड लाजमी दरकार होता है, तो मेरा रिटेलर अकाउंट था जेएस कैश का, तो उसके लिए मुझे एक नंबर लाजमी कन्वर्ट करना था। तो दोस्तों मैंने अपना एक नंबर कन्वर्ट किया, तो वो जो तजर्बा है जो एक्सपीरियंस है वो आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। जो मेरा पैकेज प्लान था वो जेएस कोड था। दोस्तों 1000 रुपये आपको एडवांस देना पड़ता है, ठीक है, जेएस की किसी भी फ्रेंचाइज में। इस जो तकरीबन जो जेएस का गोल्ड पैकेज है इसमें आपको 7 GB डेटा, 3000 मिनट, 200 अदर मिनट और 3000 SMS। दोस्तों अगर हम इसकी बात करें तो इंक्लूडिंग टैक्स डालकर ये लगभग 1000 तक हो जाता है, ठीक है। मोर डिटेल आप चेक कर सकते हैं। और जेएस जो दूसरा पैकेज इसका वो लगभग 1200 में है, 17 GB डेटा, 600 जेएस मिनट है, 40 अदर नेटवर्क मिनट और 600 SMS। और दूसरा थर्ड नंबर पे जो जेएस गोल्ड पैकेज है तो 2000 में 37 GB डेटा दोस्तों इसमें मिलता है और 10000 जेएस मिनट, 600 अदर नेटवर्क मिनट्स। तो दोस्तों इस पर अगर हम बात करें, ये पैकेज प्लान आप चेक कर सकते हैं, ठीक है, पोस्ट पेड डेटा ऑफर। तो अभी मैं आपको जो मेरा नंबर है वो दिखाता हूँ कि उसका कैसे है जी। तो दोस्तों जेएस बर्ड के थ्रू आप जो जेएस पोस्ट पेड नंबर होता है उसकी तमाम डिटेल तफसीलात चेक कर सकते हैं और इसे मैनेज कर सकते हैं। जैसे कि आप ये नंबर और उसकी तमाम तफसीलात आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, इसकी तफसीलात आपके साथ शेयर करने से पहले मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर कर दूं कि आपको अपना जो प्रीपेड नंबर है वो जेएस पे पोस्ट पेड पे कन्वर्ट करना चाहिए या नहीं। दोस्तों बेसिकली जो प्रीपेड होता है उसमें आप बैलेंस डालते हैं, उसके बाद जब आपका बैलेंस ख़त्म होता है तो आपकी कॉल किसी नंबर पे नहीं मिल सकती, ठीक है। जो पोस्ट पे है बेसिकली ये एक ऐसा बिलिंग सिस्टम है, ठीक है, इसमें आप जितनी मर्जी चाहें कॉल कर सकते हैं और उसके बाद आपका बिल जो है वो जनरेट होता है और मंथ के एंड पर आपने पे करना होता है। इसमें आपके पास 2-4 पैकेजेस होते हैं जो आप चाहें चूज़ कर सकते हैं। अगर आप बिजनेस पर्सन हैं तो लाजमी आप इसको जो है ना यूज़ करें, ये ज़बरदस्त है, इसका फ़ायदा होता है। अगर आप वैसे हैं तो मतलब फिर इसकी ज़रूरत नहीं है, मुफ्त में आपको 2-4 हज़ार रुपये मंथली देना पड़ सकते हैं। तो अभी चेक कर सकते हैं, टोटल बिल हमारा 971 है, ठीक है, अमाउंट ड्यू 866 रुपये लास्ट अपडेट है। तो यहाँ पर आप देखें क्रेडिट लिमिट मेरी 58 है, आउट ऑफ टोटल मतलब जो मेरी लिमिट थी 10,029 है। तो इसमें मिनट्स आप चेक कर लें, डेटा भी चेक कर लें। तो दोस्तों ये कुछ मालूमात हैं पोस्ट पेड जो जेएस का नंबर है उसके मतलब। अगर आपको ये मालूमात अच्छी लगे तो दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर कुछ मिस्टेक हुई तो काइंडली फॉरगिव, और अगर कुछ पूछना चाहें तो कमेंट सेक्शन में हमें राय के साथ करें, इंशाल्लाह आपको रिस्पॉन्स करूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग वक्सी स्टूडियो।